हेलो दोस्तों, मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर की एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसे हम मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसफ़र जो है प्रूव करेंगे। तो देखिए क्या है, ये एक नेटवर्क है, ये क्या है, NL लोड नेटवर्क है, अननोन नेटवर्क है। तो देखिए इसके अक्रॉस हमने V और करंट क्या है I जा रही है। तो हमें इस अक्रॉस के अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू V और I फाइंड करनी है, लोड अक्रॉस वोल्टेज V और I वाई थ्रू द मैक्सिमम पावर थ्योरम फ्रॉम द ट्रांसफर्ड N टू NL। मतलब हमें V और I की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी N से NL की ओर। तो जो इसका प्रूफ है, तो ये थेविन इक्विवेलेंट सर्किट है N नेटवर्क का। इसके क्रॉस क्या, जो भी अननोन नेटवर्क होगा उसके क्रॉस V और इसमें करंट क्या जा रही होगी, I हो जा रही होगी। तो हम B की इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए इसमें KVL लगा देते हैं। तो देखिए माइनस का VTH प्लस का RTH इंटू आई प्लस का V बराबर जीरो। तो V में यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे, I बराबर आ जाएगा VTH माइनस का V अपॉन RTH। तो हम B की वैल्यू फाइंड करेंगे पावर से। तो देखिए इसके लिए क्या, I हमारे पास आ गई, तो लोड में जो पावर होगी फ्रॉम जो PL होगी वो होगी V इंटू आई। और PL क्या होगी, ये होगी पावर ट्रांसफर ट्रांसफर्ड फ्रॉम N टू NL। I की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो PL बराबर V इंटू वी टी एच माइनस का V अपॉन RTH। तो PL बराबर तो V इंटू वी टी एच माइनस का V स्क्वायर अपॉन RTH। तो V की वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर मैक्सिमम पावर के लिए, तो ये से डिफ्रेंशिएट कर देंगे DPL अपॉन DV बराबर 1 अपॉन RTH D अपॉन DV और V इंटू वी टी एच माइनस का V स्क्वायर। तो डी पी एल अपॉन डी वी बराबर 1 अपॉन आर टी एच, तो देखिए वी टी एच तो इंटू 1 माइनस 2 V इंटू वी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो डी पी एल अपॉन डी वी बराबर क्या, जीरो। तो एक अपॉन आर टी एच वी टी एच माइनस टू, सॉरी यहाँ पे वी बराबर जीरो। तो देखिए ये वी टी एच बराबर टू वी, तो वी बराबर आ जाएगा वी टी एच अपॉन टू। इसी प्रकार I की वैल्यू, तो I बराबर निकल के आएगी तो ये वी टी एच माइनस का V अपॉन आर टी एच। तो V की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आएगी, ये वी टी एच वाई टू, इसे क्या लिख लेंगे, V बराबर 0.5 वी टी एच यहाँ रख देंगे। तो वी टी एच माइनस का 0.5 वी टी एच अपॉन आर टी एच, तो I बराबर आ जाएगा ये 0.5 वी टी एच अपॉन आर टी एच, या सिंपली कह देंगे वी टी एच अपॉन टू आर टी एच। ये आई आ गई, तो आई बराबर वी टी एच अपॉन टू आर टी एच। तो देखिए हमारी ये दो वैल्यू आ गई, वी और आई की वैल्यू आ गई। तो वी की वैल्यू आई वी टी एच वाई टू या सिंपली 0.5 वी टी एच, और आई की वैल्यू आ गई वी टी एच अपॉन टू आर टी एच। तो ये किसके लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम N टू NL के लिए, ये
वी की वैल्यू निकल के आई, जब हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी एन से एन एल लोड की तरफ। तो यदि वी बराबर हमारा 0.5 वी टी एच है या वी टी एच वाई, तो पी मैक्स जो हमारी होगी पावर वो देखी क्या होगी, वी इंटू आई होगी। तो वी की वैल्यू ये वी टी एच वाई टू और आई की वैल्यू ये रखेंगे वी टी एच अपॉन टू आर टी एच। तो पी मैक्स बराबर क्या निकल कर गया, वी स्क्वायर टी एच अपॉन फोर आर टी एच, ये निकल के यही तो एक्चुअली निकल के आ रही थी लोड में। अगर लोड हमारा क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है, तो आर एल बराबर क्या होगा, वी अपॉन आई। मान लीजिए यहाँ क्या है, ये वी है और ये आई, ये है आर एल लोड। एन एल जो क्या है हमारा, एक प्योरली रेजिस्टिव लोड है एन एल। तो इसके लिए वी की वैल्यू आई थी 0.5 वी टी एच और इसकी आएगी 0.5 बी टी एच अपॉन आर टी एच, इसी कट जाएगा। तो आर एल बराबर क्या होगा, आर टी एच होगा और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए एन टू एन एल। तो यही तो निकल के आ रही थी। तो हमें दो याद रखनी है ये कंडीशन, ये फॉर्म, कि बी बराबर क्या होगा वी टी एच बाई टू और आई बराबर क्या होगा हमारा इस सर्किटरी के लिए। ये आएगा 0.5 वी टी एच एनालॉग और ये आई बराबर आएगी वी टी एच अपॉन टू आर टी एच। ये इंपॉर्टेंट है। एक बात और, जब हम ये सोर्स सिंपली जो है, ये आर एल है, ये आर एस है, ये वी टी एच, ये सिंपली क्या है आर टी एच है। अगर हम इसको वेरी करते हैं तो ये इसके क्रॉस वी एल होगा और इसके क्रॉस क्या आई एल होगा। तो जो मैक्सिमम बी मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो वी एल मैक्स जो कहा जाएगा वो क्या होगा, वी टी एच के बराबर होगा। वैन कब होगा, आर एल जब हमारा इन्फिनिटी होगा, आर एल क्या होगा ओपन होगा। तो हमें बी मैक्स वोल्टेज इस लोड के अक्रॉस मिलेगा। आई मैक्स कब मिलेगी हमको, आई एल मैक्स जब हमारा आर एल क्या होगा, तो ये होगा वी टी एच अपॉन आर टी एच और जब आर एल हमारा क्या होगा वो शॉर्ट सर्किट होगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये आई मैक्स करंट मिलेगी और ये आई मैक्स क्या होगी, शॉर्ट सर्किट करंट होगी और ये क्या होगा सिंपली वी ओ सी होगा, वी टी एच होगा इस लोड सर्किट में। एक बात और याद रखना, जब भी इस टाइप की कोई सर्किट मिले, ये ए और वी, ये आर एल, सॉरी ये तो ये था ऊपर वाली सर्किट वी टी एच, ये आर एल और ये वी टी एच। अब यहां आर लोड फिक्स है, इस सोर्स रजिस्टर मतलब आर टी एच को क्या है, ये वेरी किया जा रहा है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो आर टी जो इस कंडीशन होगी वो क्या होगी, आर एस बराबर जीरो इस केस में लिया जाता है। कैसा भी नेटवर्क अगर वेरिएबल इधर सोर्स का जो है या थेवियन का जो वेरिएबल किया जा रहा है, तो जब भी हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी वो कब होगी, जब इसकी वैल्यू जीरो होगी, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखिए इसी थ्योरम पर जो है एग्जाम्पल नंबर वन, इन द सर्किट ऑफ फिगर 1.8 वी टी एच बराबर 2 वोल्ट एंड आर टी एच बराबर 2 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वी एल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द नेटवर्क एन टू एन एल। तो देखिए ये है एन और ये है एन एल, तो हमें वी एल की वैल्यू फाइंड करनी है मैक्सिमाइज जब पावर ट्रांसफर होती है इस। तो सॉल्यूशन तो लिखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अगर्स वैन बी बराबर 0.5 वी टी एच या बराबर वी टी एच बाई टू। तो वी टी एच की वैल्यू कितनी दे रखी, दो, तो दो अपॉन दो बराबर ये पॉइंट, तो ये आई बराबर निकल के आएगी ये वी टी एच अपॉन टू आर टी एच
पहले निकला था, तो वी टी एच की है 1 2 इंटू 2 इंटू आर टी एच की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगी 0.5 एम्पियर। तो ये जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी एन से एल तो वी और आई आ गए। तो देखिए ये लोड है प्लस माइनस, ये वी एल, ये 0.2 ओम, ये वी बराबर कितना आ गया 1 वोल्ट और ये आई बराबर आ गई 0.5 है। तो ये देखिए ये करंट इसमें फ्लो कर रही है, ये वोल्टेज इस सर्किट के अक्रॉस होगा, तो के वी एल लगा देंगे तो माइनस का बी प्लस का 0.2 इंटू आई प्लस का वी एल बराबर 0। तो वी की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस का 1 प्लस 0.2, आई की वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस का वी एल बराबर 0, तो वी एल बराबर 1 माइनस 0.10। तो वी एल बराबर 1 माइनस 0.1 बराबर 0.9 वोल्ट। तो वी एल बराबर 0.9 वोल्ट, ये होगा हमारा आंसर। तो देखिए ये सर्किटरी है एग्जांपल नंबर 2 में, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारी मैक्सिमम पावर फ्रॉम ए टू वी सर्किट जा रही है। तो देखिए यह कैपेसिटर है, अगर हम इसको डीसी सोर्स ये 10 वोल्ट और 3 ओम, तो फेज सेम है, तो इसको ओपन कर देंगे तो सिंपली अगर हम यहाँ वोल्टेज वी मान लेते हैं, करंट आई मान लेते हैं, देखिए ये सर्किट होगी सॉल्यूशन उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये प्लस माइनस 3 वोल्ट, और ये 10 वोल्ट प्लस माइनस, और ये 2 ओम, यहाँ वोल्टेज क्या है वी और ये आई, ये है आर और ये वी। तो ये हो गया जाएगा वी टी एच और ये होगा आर टी एच। मैक्सिमम पावर अगर अकर्स व्हेन बी बराबर वी टी एच वाई 2, तो ये वी टी एच कितना जाएगा 10y2 बराबर 5 वोल्ट, और I बराबर आ जाएगा वैल्यू करंट की वी टी एच अपॉन 2 RTH, तो बराबर, तो वी टी एच कितना 10 अपॉन 2 इंटू 2 5, तो ये 2.5 एम्पीयर की करंट आएगी। तो इसमें जो है KVL लगा देते हैं फॉर मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा माइनस का V प्लस का R इंटू आई प्लस का 3 बराबर 0। बी की वैल्यू है 5 माइनस का 5 प्लस R इंटू 2.5 प्लस 3 बराबर 0, तो इधर जाएगा तो R बराबर 5 माइनस 3 अपॉन 2.5, तो 2 अपॉन 2.5, 5 से काटेंगे 5 को 20, तो बराबर 0.8 ओम, तो आर बराबर 0.8 ओम। तो आंसर जो हमारा वो होगा ए इज करेक्ट। एग्जांपल नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है। इन द सर्किट शोन फिगर वी एस इज कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एंड आई एल इज ए कांस्टेंट करंट लोड। ये सर्किट है, तो वैल्यू ऑफ आई एल द मैक्सिमाइज पावर एब्जॉर्ब बाय द कांस्टेंट करंट लोड इज, ऑप्शन ए वी एस बाई 4, ऑप्शन बी वी एस बाई 2 आर, ऑप्शन सी वी एस बाई आर, और डी इनफिनिट। ये इसी गेट में पूछा गया 2016 में। तो हमें आई एल की वैल्यू निकालनी है जब क्या हो मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब हो करंट सोर्स। तो इसके अक्रॉस क्या मान लेंगे हम, एक लोड वोल्टेज वी एल मान लेंगे करंट। तो देखिए इसमें के वी एल लगाएंगे तो आई एल की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि हमें आई एल, तो माइनस का वी एस प्लस आर आई एल प्लस का वी एल बराबर ये 0, तो वी एल बराबर हो जाएगा वी एस माइनस का आर आई एल। तो अब पावर जो हमारी होगी पी एल बराबर वी एल इंटू आई एल, तो रख देंगे
वी एल कितना हमारा वी एस माइनस आर आई एल इंटू आई एल, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वी एस आई एल हो जाएगा माइनस का आर आई स्क्वायर एल हो जाएगा, तो पी एल। तो हम मैक्सिमम पावर के लिए आई एल के सापेक्ष क्या डिफरेंशिएट कर देंगे, टी डी पी एल अपॉन डी आई एल बराबर, तो ये वी एस आई एल माइनस का आर आई स्क्वायर एल, तो ये आ जाएगा वी एस माइनस का टू इंटू आई एल इंटू आर। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तो डी पी एल अपॉन डी आई एल बराबर जीरो कर देंगे, तो ये वी एस माइनस का टू आई एल इंटू आर बराबर जीरो, तो यहाँ से आई एल बराबर वी एस अपॉन टू आर। तो वो आई एल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी लोड की, जो पावर में जो कंज्यूम करेगी, तो वो कितनी होगी, वी एस अपॉन टू आर। तो इसका जो ऑप्शन है आंसर है वो वी करेक्ट है, तो आंसर होगा वी इज करेक्ट।